30 जून 2021 यानी आज से करीब 3 महीने पहले दीपक दया 2.0 चैनल पर कोई खास ग्रोथ नहीं थी। डेली के 50, 60, 70, 80 सब्सक्राइबर्स कुछ बढ़ रहे थे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ रिजल्ट आपके सामने है। जहाँ मेरे डेली के 70, 80 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, उसके जस्ट बाद मेरे डेली के 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होने लगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस चैनल की शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी। 5 नवंबर 2020 यानी मैंने अपने 18th बर्थडे पर इस चैनल को क्रिएट किया था। क्यों किया था, इसके 3 रीज़न थे। पहला रीज़न कि मुझे फेस कैम वीडियोज़ शूट करना था, मुझे फेस कैम वीडियोज़ बनाने थे, इसलिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था। दूसरा कारण ये कि अगर दीपक दया चैनल पर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, चैनल टर्मिनेट हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए चैनल के साथ में, तो एक बैकअप चैनल रहे जहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर्स से कनेक्टेड रहूँ, इसलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया था। दूसरा ये रीज़न था। और थर्ड रीज़न जो कि सबसे बड़ा रीज़न था इस चैनल के फेल होने का, कि ये चैनल मैंने दूसरों को देख करके क्रिएट किया था। और इसीलिए मैंने अपने YouTube टिप्स वाले वीडियो में कहा भी था कि कभी भी किसी को भी देख करके YouTube पर नहीं आना चाहिए। मैं आया था और मैं बिल्कुल फेल हो गया। मैं दीपक दया 2.0 चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं दीपक दया चैनल की बात नहीं कर रहा। वेल, नवंबर के महीने में मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था और नवंबर के महीने में ही मेरे 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर्स दीपक दया चैनल से दीपक दया 2.0 चैनल पर आ चुके थे। लेकिन उसके बाद दिसंबर बीता, जनवरी बीता, मार्च, अप्रैल, मई, जून सब कुछ बीत गए और दीपक दया चैनल पर 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर्स से तो मैं पहुंचा 22 हज़ार सब्सक्राइबर्स तक मैं जून के महीने में पहुंच चुका था। यानी इतने महीनों में ना तो मैं कंसिस्टेंट रह पाया, ना ही मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर पाया और ना ही मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाया। यानी मैं अपने पछता रहा था जून के महीने में मैं, कि यार ये चैनल मैंने क्रिएट क्यों कर दिया, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इस चैनल को क्रिएट किया। यानी मैं पछता रहा था। अब सवाल ये आता है कि ये YouTube टिप्स देने का मेरे माइंड में कहाँ से आया। तो मैक्सिमम लोग जब मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ मैसेज करते हैं तो उनमें से मैक्सिमम लोग 80 से 90% लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के बारे में पूछते थे। सर आप वीडियो कैसे एडिट करते हो, सर आप थंबनेल कैसे बनाते हो, सर आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, सर आप एडिटिंग कैसे करते हो, वॉइस की, इसी बारे में मुझे पूछते थे। सर मेरा चैनल चेक कर लो, व्यूज़ नहीं आ रहे, ये वो सेम चीज़ पूछते थे। और कई सारे लोग मुझे कॉल पर भी यही चीज़ पूछते, कई सारे लोग मुझसे मिलने आते, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्लेलिस्ट बना दी जाए जिसमें मुझे जो भी आता है, जितना मेरा नॉलेज, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है आज तक का, वो सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस मैं वहाँ पर शेयर करूँ। और जो भी मुझसे कोई टिप्स मांगेगा तो मैं कह दूंगा उसे कि ये रही वीडियोस, मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस इन वीडियो में शेयर किया है, ये जाकर आप चेक कर लो। मेरा कोई पर्पस नहीं था कि इस पर मैं बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाना है, मुझे बहुत ज़्यादा वायरल होना है। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं वायरल भी हो पाऊंगा, मुझे मेरे व्यूज़ भी आएंगे इन वीडियोज़ पर, मुझे नहीं लगा था। मेरा ऐसा कोई पर्पस था भी नहीं। तो जून का आधा महीना तो बीत चुका था और फिर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाना स्टार्ट कर दी। पहले मैंने सारे टॉपिक्स रेडी किए कि मुझे इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने हैं और क्या बोलना है वीडियोस में, मैंने ये भी सोचा। और उसके बाद मैं फाइनली 1 जुलाई 2021 को मेरा पहला वीडियो अपलोड हुआ, प्रैक्टिकल वे टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। और पहले ही दिन उसकी ग्रोथ को देखकर आई वॉज टोटली शॉक्ड कि इतने व्यूज इस पर कैसे आ रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार इतने व्यूज कैसे आ सकते हैं इसी वीडियो पर। और पहले 3 दिन के अंदर अंदर उस अकेले वीडियो ने पूरे चैनल पर जितने भी व्यूज़ थे उस वीडियो को अपलोड करने से पहले, उनको भी वो अकेला वीडियो क्रॉस कर गया। और 10 दिन के अंदर अंदर सिर्फ उस एक वीडियो की बदौलत मेरे चैनल पर गेन हुए 10,000 सब्सक्राइबर्स। मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक वीडियो की। और उस वीडियो में मैंने जो जो भी प्रॉमिस किए थे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा और ऐसे ऐसे वीडियो लाऊंगा, वो सारे वीडियो मैंने अपना 100% देकर, सारे मैंने अपने प्रॉमिस पूरे किए और हर टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाए भी। और सिर्फ 3 महीनों में सिर्फ 16 वीडियोस को अपलोड करके हम पहुंचे 22,000 सब्सक्राइबर्स से तो 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तक। ये क्राइटेरिया 1 महीने पहले भी पूरा हो सकता था, यानी 2 महीने में भी ये क्राइटेरिया हम पूरा कर सकते थे, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा इरेगुलर हो चुका था, मेरा थोड़ा फोकस अपने मेन चैनल दीपक दया चैनल पर जा चुका था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन बट इट्स ओके, मुझे इसका बिल्कुल भी दुख नहीं है। तो ये थी इस छोटे से चैनल की छोटी सी कहानी। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप सबको ये तो यकीन हो ही गया होगा कि मैंने जो अपने YouTube टिप्स वाले फर्स्ट वीडियो में बात कही थी, वो सारी बातें यहाँ पर सच निकली। मैंने कहा था कि किसी को देखकर नहीं आना चाहिए, मैं आया, देखो मैं फेल हो गया, ये बात मुझ पर लागू हुई। फिर मैंने कहा था कि कंसिस्टेंट रहो, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपकी ग्रोथ होना तय है। मैं कंसिस्टेंट नहीं था, ना तो मेरी ग्रोथ हुई, ना लोगों की ग्रोथ हुई, ना मैं लोगों की लाइफ में एडियोट कर पाया, ना ही लोग मेरी लाइफ में एडियोट कर पाए उस चक्कर में। और मैंने ये भी कहा था कि कंटेंट इज द किंग, जब तक आप तगड़ा कंटेंट नहीं बनाओगे लोग आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लोग आपकी वीडियो फिर से देखने के लिए नहीं आएंगे। तो मैंने तगड़ा कंटेंट बनाया, मैं रेगुलर रहा, मैंने कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड किए और आप सबसे कनेक्ट रहा, और इसीलिए हम जल्दी से जल्दी 22,000 सब्सक्राइबर से 1,00,000 तक पहुँच गए। और इस सब के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मुझे आती है, थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है, वो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और मुझे आपको सिखाना चाहिए। और कई सारे लोग कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हर क्वेश्चन पर एक वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए हम एक Q&A स्टार्ट करने वाले हैं। तो हर हफ्ते मैं ट्राई करूँगा एक Q&A लाऊँ और वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करूँ।
तो Q&A भी आएंगे और रेगुलर वीडियोस भी अपलोड होते रहेंगे। और लास्ट में मैं फिर से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए। अब है आपकी बारी, आप भी जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर, 10000, 1 लाख, 1 मिलियन भी कंप्लीट करो, मुझे तो बहुत वेट है। जब मुझे कोई कमेंट करता है ना, सर मेरा चैनल ग्रो हो गया, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि यार अपनी वजह से किसी का चैनल ग्रो हो रहा है। अभी 2 दिन पहले मुझे कमेंट आई थी कि सर मेरा YouTube से पहला पेमेंट आया, मुझे बहुत खुशी हुई उसकी सक्सेस को देखकर। यार पहला पेमेंट जब आता है ना YouTube से, हम इतनी मेहनत करते हैं, बहुत खुशी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी इसी तरह ग्रो करें, बहुत ग्रो करें, और जब ग्रो कर जाओ ना तो कमेंट कर देना एक, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मैंने जिसको सिखाया वो ग्रो कर गया, बहुत खुशी होती है। मैं रिप्लाई जरूर करूंगा अगर मुझे ऐसी कमेंट मिली तो। तो इस वीडियो में मुझे आप सबको यही बताना था, YouTube से ही रिलेटेड कमाल के वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे, तो उनको मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।